बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएस स्विस मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो पेपर शुरू किया था उसी पेपर का पार्ट टू अपलोड कर लेते हैं। काफी लेंथी पेपर है इसलिए चार पांच पार्ट इस पर बनाएंगे और काफी डिटेल से हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको हल कर दें। ये पेपर 5 जनवरी 2022 को एटीएस अलाइड टेस्टिंग सर्विस के जरिए हो चुका था। तो चलिए पार्ट टू की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, दिस वन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात है, देयर वॉज नॉट मच यूनिटी द काउंसिल मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स के दरमियान यूनिटी नहीं थी। तो चूंकि मेंबर्स जमा है, ज्यादा है, तो अमंग लगेगा, ऑप्शन ए। देयर वॉजंट मच यूनिटी अमंग द काउंसलर मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 22, शी स्लेप्ट, शी वॉज वॉचिंग द मूवी वाइल, ऑप्शन बी लगेगा इसमें, शी स्लेप्ट वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, बहुत सारे पेपर में मैं देख चुका हूं इसको। 23 नंबर देखे, आई टुक द गन, मैंने गन उठाई एंड हिट, ये आई डी लिखा, इट एक्चुअली हाइट एच आई टी, हिट हिट इट, हिट आना चाहिए, और द सोफा, बीन अंडरनीथ द सोफा, ऑप्शन डी लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, द मेट्रो स्टेशन इज राइट बीनीथ द एयरपोर्ट, बिलो नहीं अंडर भी नहीं, कि बीनीथ आएगा, ऑप्शन सी। और 25 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, आई होप इट विल नॉट रेन व्हेन द ब्राइड दुल्हा लीव्स द चर्च, ऑप्शन डी लगेगा इसमें, यस ऑप्शन डी। आगे लिखे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। ईडियम्स पर हैं, देखें दोस्तों, याद दिलाता जाऊं, मेरे चैनल पर एक सीरीज पड़ा है ईडियम्स का, 1000 ईडियम्स कंप्लीट सीरीज है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दे 03466567708 पर मुझे मैसेज कर ले, मैं वो लिंक्स उनको सेंड कर दूंगा। 26 देखे, टू मेक क्लीन ब्री स्टॉप, टू मेक क्लीन ब्री स्टॉप, इसका मतलब है टू कन्फेस, एतराब करना, ऑप्शन सी, विदाउट ऑफ रिजर्व। 27 नंबर देखे, टू कीप्स वन टेम्पर, टू कीप्स वन टेम्पर, इसके माने टू बी इन अ गुड मूड, टेम्पर मूड को, अपने मूड को संभाल रखने, यानी अच्छे मूड में होना, ऑप्शन बी, टू बी इन अ गुड मूड। 27 नंबर देखे, और 28 सॉरी, टू कैच अ टॉटर, टॉटर पकड़ना काफी मुश्किल काम है, तो इसका मतलब है टू कैच अ डेंजरस पर्सन, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 29, टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम के मतलब है टू एम्फेसाइज, ऑप्शन बी। और 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, बी टू द फोर, इसका मानना है बी प्रोमिनेंट, ऑप्शन ए। अब इसके बाद शुरू होता है, ये मैथमेटिक पोर्शन है, 7/8 of 96, यानी 96 का 7/8। ये ऑफ जहां भी आए ना, इसका मतलब जरा बहुत है, याद रखिए ऑफ, तो इसका मतलब 96 को जरब देना है अपने 7/8 को, 7/8,
अब इसको क्रॉस करें, ये आएगा 12 8 96, 8 क्रॉस हो जाएगा 96 के साथ, 12 आएगा और 12 7 84 आएगा, तो इसका मतलब है 84 इसका आंसर है, ऑप्शन डी देके, दिस इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, इसको जरा देखे, लेंथी क्वेश्चन है और मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस 3y 12 के बराबर है, माइनस 2x माइनस 4y 24 के बराबर है, तो x और y की वैल्यू मालूम करनी है, x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहां पर मैं इसको जरा हल कर लेता हूं। पहले इक्वेशन है x प्लस 3y, तो इसमें से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए x इज इक्वल टू 12 मनपी 3y, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास ऐसा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y को दूसरे साइड पर ले चलो तो 12 मनपी 3y आएगा, 12 माइनस 3y। अब इसको पुट करना है दूसरी इक्वेशन में, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू पुट करनी है इसमें, माइनस 2 और x की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, 12 मनपी 3y, 12 मनपी 3y और इसके साथ है मनपी 4y, मनपी 4y इज इक्वल टू 24। अब यहां पर हमारे पास y की कीमत निकल आएगी इसमें से y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 24 जमा 6y आ जाएगा, 6y और मनपी 4y आएगा, मनपी 4y, ठीक है, ये 24 आएगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, ये 24 उस साइड आ जाएगा, दूसरे साइड पर ले चलो तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। अब यहां देखे ये जमा 6y और मनपी 6y, तो 2y आएगा, तो y को कीमत मालूम करने के लिए इसको 2 पर डिवाइड कर, तो 24 आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 24, समझ गए ना दोस्तों आप, y इज 24, एक वैल्यू हमें हमारे पास निकल आएगी। अब पहले इक्वेशन जो हमारे पास था x प्लस 3y, पहले इक्वेशन हमारे पास था x प्लस 3y, इस y की जगह अब वैल्यू पुट करना है 3 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 24, y की 24 वैल्यू है इज इक्वल टू 12। अब यहां पर x की वैल्यू हमारे पास निकल आ जाएगी, x इज इक्वल टू ये जमा 24 3 72 हो जाएगा, 72 को दूसरे साइड पर ले चलो तो माइनस हो जाएगा, 12 मनपी 72 इज इक्वल टू मनपी 60 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई मनपी 60, x मनपी 60 है याद रखे, और y जो है वो 24 है। लेकिन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को जरा देखे, यहां पर इनसे दो गलती लग गई है, ये x 24 है यहां पर x 60 है, यहां पर x माइनस 24 है, यहां पर ये इस तरह कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है, लिहाजा ये जो है ना x माइनस, ये माइनस 60 है। तो इस तरह के क्वेश्चन के तमाम सबको एक जैसे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस तरह एक और क्वेश्चन गुजरा था, उसमें भी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसकी असल कीमत जो है मनपी 6 मनपी 60 एक्स की कीमत है और 24 वाई की है। तो इसके बाद भी चूंकि मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हल करने हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो पर जोड़ते हैं, आज के लिए इतना काफी है, वीडियो लंबी हो रही है, दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।